हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफकैट 2020 एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स जीके। क्योंकि आप सभी को पता है, एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्पोर्ट्स जीके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्ज़ाम में। इस टॉपिक से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल। सारी की सारी जो स्पोर्ट्स जीके है वो हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। ये सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये सीरीज का पार्ट सेकंड है, क्योंकि पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनकी सबमिट्स हैं, उनको कवर किया था फर्स्ट पार्ट में। ये सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, बट इसके बाद एक पार्ट और आएगा स्पोर्ट्स जीके का। इन 2 पार्ट में सारी की सारी जो स्पोर्ट्स जीके है वो मैं आपको कवर करवा दूँगा। ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर करना है, ताकि जो भी कैंडिडेट्स एफकैट 2020 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया स्पोर्ट्स जीके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीफा वर्ल्ड कप को। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो फुटबॉल के ऑफिशियल मैच करवाती है उसको बोलते हैं फीफा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं चेयरमैन की। ये क्वेश्चन तो आप सभी ने भी देखा होगा, आपसे पूछते हैं जो फीफा के चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में उनका क्या नाम है। उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो, ये भी याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं जो 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप जो 21st एडिशन था, ये कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था रशिया में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं मैस्कॉट, यानी कि जो 21st एडिशन था जो 2018 में हुआ है रशिया में, इसका जो मैस्कॉट रखा गया था वो क्या था, वो था जब्बी वाक्का। जब्बी वाक्का था इसका मैस्कॉट। उसके बाद बात करते हैं चैंपियन, यानी कि 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, इसको किसने जीता है, कौन बना है चैंपियन। इसका चैंपियन बना है फ्रांस। ये बना है सेकेंड टाइम, इससे पहले भी बना था एक बार, बट अब बना है सेकेंड टाइम, ये भी याद रखिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इन्होंने फाइनल में किसको हराया, उसका आंसर होगा क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है ये है रनर्स अप कंट्री फीफा वर्ल्ड कप 2018 के मैच में, ये याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं, 2 अवार्ड मिलते हैं, एक तो है गोल्डन बॉल अवार्ड, एक होता है गोल्डन बूट अवार्ड। दोनों मैं बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं ये। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन बॉल अवार्ड की। ये जो दिया गया है 2018 के वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में, ये दिया है लुका मॉड्रिच को। लुका मॉड्रिच को दिया गया है जो गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं गोल्डन बूट अवार्ड की। जो गोल्डन बूट अवार्ड है फीफा वर्ल्ड कप 2018 में, ये दिया है हैरी केन को। हैरी केन को दिया है गोल्डन बूट अवार्ड, और गोल्डन बॉल दिया है लुका मॉड्रिच को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वैसे ये जो सीरीज़ है ये स्पेशली आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो अगला एडिशन होगा, यानी कि ये तो था 21st एडिशन, आपसे पूछा जाएगा जो 22nd एडिशन होगा इसको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा 2022 में। इसको होस्ट करेगा कतर। कतर की कैपिटल दोहा में होगा जो 22nd एडिशन होगा फीफा वर्ल्ड कप का। उसके बाद बात करते हैं 23rd एडिशन जो होगा 2026 में, इसको 3 कंट्री होस्ट करेंगी, एक तो है USA, कनाडा और मेक्सिको। ये जो हैं ये तीनों कंट्री जो हैं ये होस्ट करेंगी 23rd एडिशन जो होगा फीफा वर्ल्ड कप का 2026 में। वैसे आपको इतना दूर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि 2022 में ये होगा कतर की कैपिटल दोहा में। ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। पिछले मैंने 10 सालों के पेपर देखे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन जो हैं वो बनाए गए हैं एफकैट के एग्ज़ाम से में। उसके बाद बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं एफकैट के एग्ज़ाम में। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इसमें से किस तरह का बनेगा आपके एग्ज़ाम में फीफा वर्ल्ड कप से। देखिए क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वन द फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम्स, कौन सी कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप को सबसे ज़्यादा टाइम जीता है। आपका ऑप्शन है ब्राज़ील, क्रोएशिया, रशिया और फ्रांस। जो फीफा वर्ल्ड कप है आज तक सबसे ज़्यादा जीता है ब्राज़ील ने, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन। जो ब्राज़ील है इसने 5 बार ये
जो मैच है वो जीता है फीफा वर्ल्ड कप को, ये भी याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कितने टाइम्स जीता है, उसका आंसर होगा 5 टाइम्स, ब्राज़ील ने जीता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हैं फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। उसके बाद बात करते हैं एशियन गेम्स, जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे वो हुए थे 1951 में न्यू दिल्ली में, इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में हुए थे फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम हुए थे एशियन गेम्स 1951 में। आपसे पूछा जाता है कौन सी कंट्री ने होस्ट किए थे फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स को, उसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया ने सबसे पहले होस्ट किया था एशियन गेम्स को 1951 में। ये ईयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछते हैं इंडिया ने कितने टाइम्स होस्ट किया है इस एशियन गेम्स को। इंडिया ने होस्ट किया है 2 बार, एक तो 1951 में फर्स्ट टाइम, उसके बाद 1982 में किया था सेकेंड टाइम एशियन गेम्स को होस्ट इंडिया ने। उसके बाद बात करते हैं जो 18वां एडिशन हुआ है 2018 में, इसको किसने होस्ट किया है। ये इंडोनेशिया के दो सिटी हैं, एक का नाम है जकार्ता, सेकंड है पैलेमबैंग। इन दोनों ने होस्ट किया है जो इंडोनेशिया में लोकेटेड है, 18वां एडिशन जो हुआ था एशियन गेम्स का 2018 में। उसके बाद बात करते हैं इसका ऑफिशियल सॉन्ग क्या रखा गया था, इसका जो ऑफिशियल थीम या फिर सॉन्ग कह सकते हो आप, उसका नाम है एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया। उसके बाद बात करते हैं मैस्कॉट की, जो इसका मैस्कॉट रखा गया था 2018 वाले एशियन गेम्स का, वो है तीन रखे गए थे, एक तो है भिन्न भिन्न, अतुंग और काका, ये तीनों मैस्कॉट रखे गए थे। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा मैस्कॉट नहीं रखा गया था, आपको ये तीन ऑप्शन दे देंगे, एक कोई और ऑप्शन दे देंगे, सो आप याद रखिए भिन्न भिन्न, अतुंग और काका, ये जो हैं ये मैस्कॉट हैं जो 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे 18वें एडिशन। उसके बाद बात करते हैं जो फर्स्ट रैंक आया था, यानी कि सबसे ज्यादा मेडल जीते थे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो कौन सी कंट्री थी, फर्स्ट रैंक पर जो कंट्री आया वो है चाइना। चाइना ने 299 मेडल जीते हैं, 289 मेडल जीते हैं चाइना ने। उसके बाद सेकंड रैंक की बात करते हैं वो है जापान, जापान में ने जीते हैं 205 मेडल। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की, इंडिया ने जो टोटल मेडल जीते हैं वो है 69, इंडिया का जो रैंक है वो है 8th। उसके बाद बात करते हैं 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज, ये मेडल टैली है इंडिया के लिए। आपसे पूछा जा सकता है इंडिया ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं 18वें एशियन गेम्स में, उसका आंसर होगा 15 गोल्ड, और इंडिया कौन से प्लेस में आया है उसका आंसर होगा 8th। सारे के सारे याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं फ्लैग बीरर की, यानी कि जो फ्लैग बीरर थे ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से वो कौन थे, वो थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा थे जो इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर थे। उसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में, जो क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से फ्लैग बीरर थे उनका नाम है रानी रामपाल, रानी रामपाल। उसके बाद बात करते हैं जो 19वां एडिशन होगा 2022 में, ये कहाँ पर होगा, इसको होस्ट करेगा चाइना, चाइना में एक सिटी है जिसका नाम है हंगजू, हंगजू में होंगे 2022 में, 2022 में जो 19वां एडिशन होगा। उसके बाद 20th एडिशन कहाँ पे होगा, 2026 में होगा नगोया जापान में। वैसे तो आप 2022 तक याद रखिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की, यानी कि क्वेश्चन आपको किस तरह का डिज़ाइन किया जाएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, रानी रामपाल इज़ द फ्लैग बीरर इन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2018, शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि जो रानी रामपाल हैं ये फ्लैग बीरर थी जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, ये कौन सी गेम से एसोसिएट हैं। आपके ऑप्शन है क्रिकेट, फील्ड हॉकी, कबड्डी, लास्ट है बैडमिंटन। जो रानी रामपाल हैं ये एसोसिएट हैं फील्ड हॉकी से, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन, फील्ड हॉकी से एसोसिएट है जो रानी रामपाल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम दे उठा के देख लो एफ कैट का प्रीवियस, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। आप सभी ने अगर प्रीवियस पेपर देखा है तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसी में से आपको एक क्वेश्चन मैं आप और करवा देता हूँ जो काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इसमें पूछा गया है कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा टाइम्स होस्ट किया है एशियन गेम्स को। आपके ऑप्शन है इंडिया, जापान, थाईलैंड और कैनेडा। सबसे ज़्यादा टाइम जो एशियन गेम्स को होस्ट किया है वो किया है थाईलैंड ने, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा टाइम्स होस्ट किया है इस एशियन गेम्स को, थाईलैंड ने किया है 4 टाइम्स। ये भी याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है थाईलैंड ने कितने बार होस्ट किया है एशियन गेम्स को, उसका आंसर होगा 4th टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मैं आपको विंटर ओलंपिक्स करवा देता हूँ। जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हुए थे ये हुए थे 1924 में, 1924 में ये हुए थे फ्रांस में, एक जगह है जिसका नाम है चैमोनिक्स,
चेमोनिक्स में ये हुए थे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स 1924 में। आपसे पूछा जाता है जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये कब स्टार्ट हुए थे, उसका आंसर होगा 1924, ये याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं 2018 वाले की। जो 2018 में एडिशन था वो था 23rd एडिशन, ये हुआ था प्योंगचैंग साउथ कोरिया में। प्योंगचैंग साउथ कोरिया में लोकेटेड है, यहाँ पर हुए थे जो 23rd एडिशन है विंटर ओलंपिक्स का 2018 में। उसके बाद बात करते हैं इसके मैस्कॉट की। मैस्कॉट की बात करते हैं, मैस्कॉट है इसका दो रखे गए थे, एक तो बंडोबी था एक था सुरंग। सुरंग और बंडोबी थे इसके मैस्कॉट विंटर ओलंपिक्स 2018 के एडिशन के। फर्स्ट रैंक आया था इसका, यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे नॉर्वे ने। नॉर्वे ने मेडल जीते थे 39 मेडल जीते थे नॉर्वे ने। इंडिया ने कोई भी मेडल जीता नहीं था इस विंटर ओलंपिक्स में 2018 में जो हुए थे 23rd एडिशन। आपसे पूछा जाता है इंडिया ने कोई मेडल जीता था या नहीं जीता था। इंडिया ने कोई मेडल नहीं जीता था इस ओलंपिक्स में, जिसका नाम है 23rd विंटर ओलंपिक्स। याद रखिए काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। आपको ऑप्शन दे देंगे, तीन प्लेयर्स के नाम दे देंगे आपको, एक दे देंगे नन ऑफ दीज, यानी कि किसी ने भी नहीं जीता, और उसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। याद रखिए काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं ओपनिंग फ्लैग बेरर। जो ओपनिंग सेरेमनी थी इसमें जो फ्लैग बेरर थे इंडिया की तरफ से वो थे शिव केशवन। शिव केशवन थे। इनकी जो गेम है वो काफ़ी एग्जाम में रिपीट होती है, वो है स्काई। स्काई जो है वो है शिवा केशवन की। ये ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर थे इंडिया की तरफ से इस विंटर ओलंपिक्स में। उसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। जो क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बीरर थे वो थे जगदीश सिंह। जगदीश सिंह, इसकी गेम भी पूछते हैं, उसका आंसर होगा ल्यूज। ल्यूज इनकी गेम है। इन दोनों की गेम्स काफ़ी एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं, सो याद रखिए। क्योंकि इंडिया ने कोई मेडल तो नहीं जीता था, बट ओपनिंग जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आपके एग्जाम में, एफ कैट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सो याद रखिए। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, सो याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं जो 2022 में हो गया एडिशन 24th विंटर ओलंपिक्स का, इसको होस्ट करेगा बीजिंग। बीजिंग चाइना की कैपिटल है, यहाँ पे होगा जो 24वां एडिशन होगा 2022 में विंटर ओलंपिक्स का। उसके बाद बात करते हैं मैस्कॉट, यानी कि 2022 का एडिशन होगा जो, इसका जो मैस्कॉट होगा वो क्या है, वो है पेंडा। पेंडा। उसके बाद बात करते हैं 25वां एडिशन 2026 में होगा, 25th एडिशन होगा, ये होगा मिलान और कांटीना में, इटली के दो सिटी हैं, इन दोनों में होगा 25th एडिशन 2026 में। बट आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप 2022 तक याद रखिए बस। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप से बन के। विच कंट्री होस्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स विंटर ओलंपिक्स। कौन सी कंट्री है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स विंटर ओलंपिक्स को होस्ट किया है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, कैनेडा और यूएसए। दिए गए चार ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा टाइम होस्ट किया है विंटर ओलंपिक्स को वो है यूएसए। इसलिए राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, यूएसए ने होस्ट किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स विंटर ओलंपिक्स को, इसलिए राइट आंसर है डी ऑप्शन यूएसए। अगर आपसे पूछा जाए कितने बार होस्ट किया है यूएसए ने, उसका आंसर होगा 4 बार, 4 टाइम्स होस्ट किया है विंटर ओलंपिक्स को यूएसए ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं समर ओलंपिक्स की। सबसे पहले जो फर्स्ट समर ओलंपिक्स हुए थे ये हुए थे 1896 में, 1896 में ये हुए थे ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद बात करते हैं 2016 की। लास्ट टाइम 2016 में हुए थे, 31st एडिशन था, ये हुए थे रियो दी जनेरियो, ब्राज़ील की जो सिटी है एक, यहाँ पे हुए थे रियो दी जनेरियो में 31st एडिशन समर ओलंपिक्स का 2016 में। इसका जो मैस्कॉट रखा गया था वो था विनीशियस, विनीशियस था मैस्कॉट। उसके बाद फर्स्ट रैंक की बात करते हैं, ये आया था यूएसए। यूएसए ने टोटल मेडल जीते थे 121, 121 मेडल जीते थे यूएसए ने। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की तरफ से कितने मेडल जीते गए थे। इंडिया की तरफ से 2 मेडल जीते गए थे इन समर ओलंपिक्स में, एक था सिल्वर एक था ब्रॉन्ज। जो सिल्वर वाला था ये जीता था पीवी सिंधु ने। उसके बाद जो साक्षी मलिक हैं इनके द्वारा जीता गया था ब्रॉन्ज मेडल इस समर ओलंपिक्स में जो 2016 में हुए थे। उसके बाद बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बीरर थे इंडिया की तरफ से वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो हैं ये एक शूटर हैं, शूटर हैं अभिनव बिंद्रा। उसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी की। जो क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से थे वो थे साक्षी मलिक। साक्षी मलिक की जो गेम है वो है रेसलर, यानी कि रेसलर हैं साक्षी मलिक। उसके बाद बात करते हैं अगले एडिशन की, यानी कि 2020 में जो होगा 32nd एडिशन, ये कौन सी सिटी होस्ट करेगी, वो उसका आंसर होगा टोक्यो। ये है जापान में, जापान में एक सिटी है जिसका नाम है टोक्यो, इसको होस्ट करेगी। 32nd एडिशन होगा 2020 में
समर ओलंपिक्स का 2020 में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का बनेगा इसमें से, समर ओलंपिक्स के में से। आपका क्वेश्चन है, पीवी सिंधु वन सिल्वर मेडल इन द समर ओलंपिक्स इन 2016, शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। यानी कि पीवी सिंधु जो हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था समर ओलंपिक्स में जो 2016 में हुए थे। ये कौन सी गेम से एसोसिएट हैं? आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी और लास्ट है क्रिकेट। जो पीवी सिंधु हैं इनकी जो गेम है वो है बैडमिंटन। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का वो है ये ऑप्शन, बैडमिंटन से एसोसिएट हैं जो पीवी सिंधु हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, याद रखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारा है समर यूथ ओलंपिक्स। एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स, एक होते हैं समर ओलंपिक्स, एक होते हैं समर यूथ ओलंपिक्स। ये डिफरेंट हैं समर ओलंपिक्स में से। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एडिशन की। जो फर्स्ट एडिशन हुआ था समर यूथ ओलंपिक्स का 2010 में हुआ था, ये हुआ था सिंगापुर में। सिंगापुर में हुआ था जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2010 में। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड एडिशन की। जो सेकेंड एडिशन हुआ था ये हुआ था 2014 में। इसको होस्ट किया था नैनजिंग चाइना ने। चाइना की एक सिटी है जिसका नाम है नैनजिंग। 2014 में होस्ट किया था इस सेकेंड यूथ ओलंपिक्स को, समर यूथ ओलंपिक्स को। उसके बाद बात करते हैं थर्ड की, यानी कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है जो लास्ट टाइम होता है 2018 वाला। इसको होस्ट किया है ब्यूनस आयर्स जो लोकेटेड है अर्जेंटीना में। ये थर्ड एडिशन था 2018 में जो हुआ था। इसका जो मोटो था वो रखा गया था फील द फ्यूचर। फील द फ्यूचर जो है ये मोटो रखा गया है थर्ड एडिशन जो हुआ है समर यूथ ओलंपिक्स का। उसके बाद बात करते हैं मैस्कॉट की। मैस्कॉट रखा गया है पेंडी। पेंडी जो है ये है मैस्कॉट जो 2018 के एडिशन के लिए रखा गया था। इसमें जो फर्स्ट कंट्री आया था यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे रशिया ने, 59 मेडल्स। इंडिया का जो रैंक था वो था 17th। आपसे पूछा जाएगा इंडिया का रैंक, 17th रैंक है इंडिया का। इसमें इंडिया ने मेडल जीते थे वो थे 13 मेडल, 13th मेडल जीते थे इंडिया ने। इंडिया की तरफ से जो ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बीरर थे वो थे मनु भाकर। ये हैं एक शूटर हरियाणा से, शूटर हैं हरियाणा से जो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर थे मनु भाकर। उसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बीरर थे वो थे जेरमी लाल निनुंगा। जेरमी लाल निनुंगा की गेम काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये इनकी जो गेम है वो है वेट लिफ्टिंग। ये वेट लिफ्टर हैं जो जेरमी लाल निनुंगा हैं। ये मिजोरम से बिलोंग करते हैं। इनकी याद रखिए इनकी स्टेट भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, मिज़ोरम याद रखिए। ये वेट लिफ्टिंग तो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है। उसके बाद बात करते हैं ये थर्ड एडिशन था जो 2018 में होस्ट किया है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ एडिशन की, यह है यानी कि 2022 में। इसको कौन सा सिटी होस्ट करेगा? उसका आंसर होगा डकार। ये कैपिटल है सेनेगल की, याद रखिए ये 2022 में होस्ट करेगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का बनेगा आपके एग्जाम में। जेरमी लाल निनुंगा वन इंडिया द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन विच वेट कैटेगरी। जो जेरमी लाल निनुंगा हैं इन्होंने वेट लिफ्टिंग में इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है। इनकी जो वेट कैटेगरी है वो कौन सी है? आपके ऑप्शन है 60 kg, 62 kg, 58 kg, 65 kg। ये आपके चार ऑप्शन हैं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। सो ये थे पांच टॉपिक स्पोर्ट्स जीके से जो एसोसिएट थे। बाकी जो स्पोर्ट्स जीके बचती है वो हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये सीरीज़ का थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम बाकी जो स्पोर्ट्स जीके बचती है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स जीके का बट वो सेकंड पार्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो भी कैंडिडेट्स एफकैट 2020 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोज़ आपको डेली बेस पर मिलती रहेंगी जब तक आपका पेपर जो है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाता। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जो प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस पर बेस्ड थी,
जिसमें मैंने आपको 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट वो करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हो। उस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एफ कैट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी जो मैंने फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड की थी उसके रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका जो डाउट है वो 100% क्लियर किया जाएगा और आपकी कन्फ्यूज़न दूर की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।